લેવલ રેડક્રોસમાં બ્લડ ડોનેશન હેલ્પલાઇન અને સેવ હ્યુમન લાઈફ ગ્રુપ દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કુલ 110થી વધારે યુનિટ રક્ત એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં લોકોએ ભાગ લઈ આ શિબિરને સફળ બનાવી હતી. और क्या है, अभी देखिए हम लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, वो डोनेट करते हैं, वो मरने के बाद जो लिखते हैं ना सर, वो सब हम लोग मरने के बाद देंगे नहीं देंगे वो बात अलग है, लेकिन जो ब्लड डोनेट है, जो जिंदा आदमी को वापस जिंदा करने के लिए दे रहे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. तो वैसा दे हर लोगों को देना चाहिए. जो ब्लड कैंप जो स्टार्ट हो के करीब 3 साल हुआ, ये 3 साल में जो ब्लड डोनेशन कैंप, हम ये नहीं सोच के रखा है कि कैंप बनाना है हमको, नहीं, जब जब जरूरत है किसी पेशेंट की, जो रिक्वायरमेंट है उसका, अगर कोई रिलेटिव नहीं है या कोई उसके जो ब्लड डोनेट करने के लिए उसका जो वेट जो है 50 किलो के जो नीचे है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने जो हमारा डोनर को जो है अरेंज करते हैं हम लोग, और ऐसा करते हैं कि कोई टाइम नहीं हमारे लिए, 24 घंटा कभी भी रात को भी जो अर्जेंट हो गया, जस्ट लाइक अभी रेडक्रॉस में अगर ब्लड अवेलेबिलिटी नहीं है तो यहाँ से ये फ़ोन आएगा, और कॉटेज हॉस्पिटल में एमरजेंसी वार्ड से भी हमको फ़ोन आता है. अभी जैसा कि अभी जो हमारा जो टीम है, ये जितना भी जो लोग खड़े हैं सब मिलेगा तो ही हमारा टीम है, कोई एक आदमी इसमें कोई पर्सनली नहीं है.